दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम 8वीं बार एशिया कप के टूर्नामेंट को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप के फाइनल मैच से पहले भारतीय दिग्गजों ने कर दिया सनसनी मचा देने वाला ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मैच खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम तैयार है। लेकिन इसी बीच मैच से पहले भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया है। भारतीय दिग्गजों ने भविष्यवाणी करते हुए विजेता टीम के नाम का ऐलान किया और एक ऐसा बयान भारत और श्रीलंका को देकर दे दिया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने फाइनल मैच को लेकर क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और श्रीलंका में से किस टीम की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट से सबसे बेहतर रही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एशिया कप का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा, जो 17 सितंबर को कोलंबो के प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस मैच के लिए दोनों टीम अपनी तैयारी में लग गई है। आपको बता दें, इस टूर्नामेंट के अंदर भारत और श्रीलंका दोनों टीम ने मात्र एक मैच में हार का सामना किया है। जहां पर भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना किया, तो वहीं श्रीलंका ने भारत के खिलाफ हार का सामना किया। ऐसे में अब भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच काफी ज्यादा रोमांचक होगा, जिसके लिए भारतीय दिग्गजों का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें कपिल देव ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच को लेकर मैं काफी ज्यादा बेताब हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का फाइनल मैच काफी ज्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि दोनों टीम काफी ज्यादा मजबूत है। भारत की टीम इस समय अपने शानदार फॉर्म में है, तो श्रीलंका की टीम भी सभी टीम को टक्कर देते हुए फाइनल में पहुंची है। ऐसे में दोनों के बीच रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाला मैच देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के लिए दोनों टीम तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को वनडे फॉर्मेट में हराना इस समय मुश्किल है, जिसके चलते भारतीय टीम एशिया कप भी अपने नाम करेगी। ऐसे में श्रीलंका की टीम फाइनल में हार के लिए तैयार हो जाए, तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में फाइनल मैच के लिए सभी तैयारी पूरी हो गई है। भारतीय टीम इस समय एशिया कप में जीत की मजबूत टीम दिख रही है, तो वहीं श्रीलंका की टीम भी काफी ज्यादा मजबूत है। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच वास्तव में रोमांच होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, तो वहीं श्रीलंका की टीम में भारत को टक्कर देने की पूरी तरीके से तैयार हो गई है। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच के अंदर असली संघर्ष देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते भारत एशिया कप के फाइनल को श्रीलंका के खिलाफ जीत सकता है। तो वहीं मोहम्मद कैफ ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच को लेकर मैं पूरी बेताब हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच काफी ज्यादा रोमांचक होगा। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में सभी को प्रभावित किया है, तो वहीं श्रीलंका की टीम ने भी सभी को हैरान करते हुए आगे ले जाने का कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम जिस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उसे देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम को फाइनल में जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे में श्रीलंका की टीम फाइनल में भारत के खिलाफ हारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार का एशिया कप भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम जीत सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।